तो अभी हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण। ठीक, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाला धातु है। ठीक, लेकिन ये इसको निकालना, इसे शुद्ध रूप में निकालना बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की इस्तेमाल होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एल्युमिनियम जो है ये हीट यानी ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, विद्युत का भी सुचालक है, इसकी डेंसिटी भी काफ़ी कम है और ये इसमें मोर्चा भी नहीं लगता, यानी कोरोड भी नहीं करता है बहुत जल्दी, और बहुत इसीलिए बहुत ज़्यादा इस यूज़फुल है ये एरोप्लेन्स के लिए। और टिन कैन यानी सोडा के जो कैंस होते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस कैंस के लिए भी बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल केबल भी बनते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनते हैं यानी खाने बनाने के यूटेंसिल्स भी बनते हैं। ठीक, ये हमारे नेचर प्रकृति में जो मिलता है ये एल्युमिनियम ओर के रूप में मिलता है, जो है बॉक्साइट। बॉक्साइट के रूप में जो है हमारा एल्युमिनियम मिलता है नेचर में, एल्युमिनियम ओर, इसे प्यूरिफाइड करके निकलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। इसे प्यूरिफाइड करके निकलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो एक वाइट पाउडर है, एक वाइट कलर का पाउडर बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और फिर इस वाइट कलर के पाउडर से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं किसका, शुद्ध एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है इस एल्युमिनियम ऑक्साइड से। और ये निष्कर्षण हम करते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस जाना है क्या होता है, किसे कहते हैं। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण में जो हम करते हैं, देखो मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, सेम तरीका जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने जाना था। यहाँ पे क्या है, एक स्टील का, ये काले रंग का जो तुम देख रहे हो, एक स्टील का वोल्टामीटर है, देख लो। ठीक, उसके अंदर ये जो ग्रीन रंग से तुम्हें दिख रहा है, ये एक पतला सा ग्रेफाइट का लेयर लगाया जाता है, पतले से ग्रेफाइट का एक कोटिंग लगाया जाता है जो कैथोड का काम करता है। ठीक, स्टील के इस वोल्टामीटर के अंदर एक पतले से ग्रेफाइट का कोटिंग लगाया जाता है जो एक कैथोड का काम करता है। और यहाँ पे देखो, एनोड के रूप में भी ग्रेफाइट के ही दो छड़, एनोड के रूप में ग्रेफाइट के ही दो इलेक्ट्रोड्स को डुबाया गया है। ठीक, यहाँ पे प्लस टर्मिनल दिया गया, ये एनोड है तुम्हारा, और माइनस पोटेंशियल दिया गया है इसमें, यानी ये है तुम्हारा कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड से प्यूरीफाइड करके निकाला गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्रायोलाइट भी लिखा हुआ है। अब ये क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट है Na3AlF6, जो एल्युमिनियम का एक प्रोडक्ट है Na3AlF6। इसका क्या काम है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाई है, मेल्टिंग पॉइंट 2 से 3 हज़ार डिग्री सेल्सियस है, और इतना मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाने में बहुत 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 ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। उस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ही इस क्रायोलाइट को मिलाया गया, यानी इस क्रायोलाइट का सॉल्यूशन लिया गया है। क्रायोलाइट के सॉल्यूशन में एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया गया है। किसकी जगह, अगर हम सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड ही लेते, उसका मोल्टन स्टेट लेते, तो उसको पिघलाने में ही जो हमें ऊर्जा खर्च होती वो बहुत ज़्यादा होती। तो इसीलिए क्या किया गया, क्रायोलाइट के सॉल्यूशन में एल्युमिनियम ऑक्साइड को घोल दिया गया, इसका सॉल्यूशन के रूप में मिक्स कर दिया गया है, ताकि ये जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो पहले 2 से 3 हज़ार डिग्री सेल्सियस था, वो कम होके कितना हो जाए, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होके हो जाए 900 to 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट। इवन दो ये भी बहुत हाई है, लेकिन 2 से 3 हज़ार डिग्री सेल्सियस की तुलना में ये तो काफ़ी कम है। ठीक है, तो क्रायोलाइट की भूमिका क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट की रोल जो है सिर्फ एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, तो अब जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, और जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस और माइनस इसमें पोटेंशियल दिया, तो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम जो है वो किस में टूटेगा, पॉजिटिव आयन में टूटेगा, यानी Al3+ में टूटेगा, और ऑक्सीजन जो क्या होगा वो O2- में टूटेगा, O2-। ठीक, अभी Al3+ कहाँ जाए, Al3+ सारे के सारे हमारे किस तरह, Al3+ सारे के सारे कहाँ जाएंगे, हमारे कैथोड में आएंगे। ठीक, और O2- कहाँ जाएंगे, हमारे एनोड में जाएंगे। ठीक, अब Al3+ जो होगा, एल्युमिनियम जो होगा, क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कैथोड में, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम मेटल में टूट जाएगा। और एल्युमिनियम मेटल चूंकि ये लिक्विड स्टेट में है, तो क्या होगा, नीचे सेडिमेंट के रूप में जमा हो जाएगा। यहाँ पर असल में कौन जमा हो जाएगा, एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम जमा हो जाएगा। और यहाँ एक ओपनिंग रखा गया, इस ओपनिंग से एल्युमिनियम जो है
बाहर आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे कैथोड में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, रिडक्शन जो हमने पहले ही पढ़ा था, रिग रिडक्शन आई गेन यानी इलेक्ट्रॉन गेन। कैथोड पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब कैथोड में यानी क्या घट रहा है, एल्युमिनियम 3+ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बदल जा रहा है इसमें, एल्युमिनियम एटम में बदल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे असल में कैथोड में क्या घट रहा है, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू वीक रिडक्शन आई गेन गेन कर रहा है। ठीक, एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में जो O2- जो है, ये से O2- आयन जो यहाँ से निकल रहा है हमारे Al2O3 से, O2- आयन सारे के सारे कहाँ चल रहे हैं, हमारे एनोड में चला जा रहा है, और एनोड भी हमारा ग्रेफाइट ही है यानी कार्बन ही है। अब एनोड में क्या जाके वहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बदल जा रहा है किसमें, ऑक्सीजन में बदल जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड में क्या घट रहा है, ऑक्सीजन जो आयन था वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बदल जा रहा है किसमें, ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ आएगा 2। ठीक, ये कंडीशन घट रहा है एनोड में, एनोड में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे क्या घट रहा है, ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू ऑयल ऑक्सीडेशन आई लूज, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, और वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस के रूप में बाहर आएगा। अब गैस के रूप में क्या हो रहा है, जैसे ही ऑक्सीजन बना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनोड जो है हमारा किससे बना हुआ, एनोड जो है हमारा ग्रेफाइट से बना यानी कार्बन से ही बना, तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, यही वाला ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और क्या बना दे रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, गैस के रूप में यहाँ से बाहर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में CO2 बाहर आ रहा है। ठीक, अब चूंकि कार्बन जो है ये ग्रेफाइट जो है, ये ग्रेफाइट के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, यानी ये ग्रेफाइट का जो छड़ है यानी जो इलेक्ट्रोड है ये करोड होगा, यानी ये धीरे 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 ये घिसता जाएगा, क्योंकि उसी से कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे पतला होता जाएगा और धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसीलिए एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में इस एनोड को बार बार बदलना पड़ता है, और ये भी इसके खर्च का एक हिस्सा है कि ये एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन इतना खर्चीला क्यों है। एक तो इतना डिग्री टेम्परेचर देने के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, प्लस इस कार्बन को भी बार बार बदलना पड़ता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है एल्युमिनियम निकालने का, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम।